हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान बिंदु अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। और इसमें मैंने कुछ गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं, तो वन बाय वन मैं डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट मी टॉक अबाउट दिस, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स आर करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिवर्सिबल में कौन कौन से आते हैं। रिवर्सिबल में आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव, इसके अलावा दूसरा आता है अनकॉम्पिटिटिव। ये रिवर्सिबल के सारे एग्जाम्पल हैं इनहिबिशन के, अनकॉम्पिटिटिव, और तीसरा है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब अगर इनकी मैं बात करूं, इनकी बाइंडिंग कहां कहां पे होती है, तो ये बाइंड करता है आपकी एक्टिव साइट में, ठीक है, और एक्टिव साइट में ही आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है, हाँ, प्लस यहां पे भी आपका सबस्ट्रेट भी बाइंड करता है। ये मैंने आपको क्लासेस में भी पढ़ाया होगा। इसके अलावा अनकॉम्पिटिटिव की बात करें तो उसकी बाइंडिंग होती है किसके साथ में, ES कॉम्प्लेक्स के साथ में। और अगर मैं नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो इसकी बाइंडिंग किसके साथ में होती है, इसकी बाइंडिंग होती है एलोस्टेरिक साइट पे, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, और एलोस्टेरिक साइट पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता है। तो बेसिकली जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डजंट अफेक्ट द KM वैल्यू ऑफ द एंजाइम। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ, क्योंकि मैंने बताया है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहां पे बाइंड करता है, ES कॉम्प्लेक्स के ऊपर बाइंड करता है। दूसरा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड ओनली एट ए डिफरेंट साइट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग मैंने कहां पे बताई है, एलोस्टेरिक साइट पे, और एलोस्टेरिक साइट पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अगर लास्ट वाले स्टेटमेंट की बात करें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड्स टू द सेम साइट एज द सबस्ट्रेट, जो कि मैंने कौन सी साइट बताई है, एक्टिव साइट। तो यहां पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, मतलब डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी की हम बात करते हैं तो यहां पे आपको तीन चार टाइप की क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यहां पे बताई हुई है। एक दिया हुआ है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, और साइज एक्सक्लूजन के बारे में बात करें तो ये मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे प्यूरिफाई करता है प्रोटीन्स को, और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं वो आपके पहले इल्यूट होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट या लार्ज प्रोटीन्स का इल्यूशन किसके पहले होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। अगर मैं आयन एक्सचेंज की बात करूं तो आयन एक्सचेंज में चार्ज या फिर PI वैल्यू, ठीक है, चार्ज और PI वैल्यू के बेसिस पे सेपरेशन होता है, और दो टाइप की आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है। एक होती है आपकी दैट इज कॉल्ड कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एंड द अदर वन इज एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, वहां पे किसी प्रोटीन की एफिनिटी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा होती है। हाँ, तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो एग्जांपल्स हैं आपके, एक तो निकल कॉलम है, निकल एनटीए कॉलम होता है, ठीक है, निकल एनटीए कॉलम। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। लास्टली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी की जब बात आती है तो यहां पे प्रोटीन्स का सेपरेशन होता है हाइड्रोफोबिक कंटेंट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, हाइड्रोफोबिक कंटेंट के बेसिस पे। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बेसिक प्रिंसिपल पे नहीं है, यहां पे अलग अलग कॉलम्स के नाम दिए गए हैं। कॉलम वन में जो है आपके प्रोटीन्स या जो केमिकल है उसका नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं फिनाइल सेफरोज, फिनाइल ग्रुप जो होता है आपका कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज योर फिनाइल ग्रुप, इसके ऊपर यहाँ पे कोई जो है सॉलिड सपोर्ट लगा हुआ है, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो फिनाइल है दैट इज हाइड्रोफोबिक ना, तो बेसिकली हाइड्रोफोबिसिटी के बेसिस पे सेपरेशन किस में हो रहा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी में, तो फोर वाले का आर का क्या होगा, आपका HIC होगा। इसके अलावा यहां पे लिखा हुआ है
डाई अमीनो, DEAE, ठीक है। तो जहां पे भी अमीनो आ जाए वहां पे आपका केवल कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाईइथाइल अमीनो इथाइल सेलुलोज जो है, यहां पे सेलुलोज आपका सॉलिड सपोर्ट है, हाँ, और जो डाई इथाइल अमीनो इथाइल है दैट इज द कॉलम, ठीक है, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आ जाएगा आपका आयन एक्सचेंज में, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस के बेसिस पे सेपरेशन होगा। इसके अलावा जो सेफाडेक्स है, सेफाडेक्स के ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है, बेसिकली ये क्या होते हैं, इस टाइप के होलो पोर्स होते हैं, ठीक है, पोरस मटेरियल होता है सेफाडेक्स वाला। तो पोरस मटेरियल आपका मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेशन कराएगा, और जो प्रोटीन ए है वो आपका एफिनिटी कॉलम होगा, क्योंकि प्रोटीन ए एज ए टैग की तरह काम करेगा, और प्रोटीन ए की बाइंडिंग एफिनिटी किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए होगी। तो यहाँ पे हुआ पी का 3, पी का 3 एंड क्यू का 1, आर का 4 एंड एस फॉर 3। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। So let me move ahead. Next question पे move करते हैं. Let me see this question. Which of the following are correct about protein structure? ये protein structure का question है. पहला statement दिया हुआ है, secondary structure is formed by a repeating pattern of interactions among the polypeptide backbone atoms. So let me tell you this. जो backbone atoms होते हैं N C alpha C double bond O, और इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो यहां पे अगेन एन सी अल्फा, यहां पे एन एच आ जाएगा, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स, अगर ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट या आईएथ मैं लिखूं, ये अल्फा हेलिक्स की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे सीओ बाइंड करता है फोर्थ वाले के एन एच के साथ में, सॉरी फिफ्थ वाले के, एन प्लस फोर वाला हो जाएगा या आई प्लस फोर वाला हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे फिफ्थ वाले के साथ में बाइंडिंग होती है आई एथ और एन एथ। हाँ, तो बेसिकली ये क्या है, ये आपके बैकबोन एटम्स है जो मैंने यहां पे बनाया है, दीज आर कॉल्ड बैकबोन एटम्स। हाँ, तो बैकबोन एटम्स में रेगुलर जो है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, चाहे आपकी बीटा शीट हो चाहे अल्फा हेलिक्स हो। यहां पे मैंने जो एग्जांपल दिया है वो केवल अल्फा हेलिक्स का दिया है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। हाँ, दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एटम्स ओनली। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में बैकबोन एटम्स के साथ में साइड चेन्स भी आती हैं, और जब भी मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है, अलग अलग जो क्लासेस ली हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वहां पे मैंने टर्शियरी स्ट्रक्चर में बताया है कि पूरे के पूरे जितने भी एटम्स हैं, चाहे साइड चेन वाले हैं चाहे बैकबोन है, सबका जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू एन असेंबली ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे आपका पी एंड आर, ठीक है, तो पी एंड आर ओनली, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द कॉमन फीचर फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियल कल्चर्स, मतलब ये रेस्पिरेशन के बारे में क्वेश्चन है। हाँ, तो ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में कॉमन है। हाँ, अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूं तो ग्लाइकोलिसिस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, दोनों में आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है, तो ये कॉमन फीचर है दोनों में। इसके अलावा एनएडी पॉजिटिव इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये बात याद रखना कि एनएडी पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे मॉलिक्यूल को और खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हाँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, रिड्यूस होगा। अगर हम बात करें एनएडीएच की तो एनएडीएच किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, डोनेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों में कॉमन नहीं है। इसके अलावा टू नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहां पे बेसिकली आपका जो आंसर होगा ना ये वाला होगा। एनएडी पॉजिटिव आपका जो है ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एनएडी पॉजिटिव एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहां पे काम करेगा। और दो एटीपी नेट एटीपी बनते हैं आपके
पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये भी कॉमन फीचर नहीं है, आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो नॉट द कॉमन फीचर एरोबिक और एनएरोबिक में, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके एरोबिक में कितने बनते हैं, 32 बनते हैं, 32 एटीपीज। इसके अलावा एनएरोबिक में कितने बनते हैं, 2 एटीपीज। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कॉमन फीचर नहीं है। हाँ, इसके अलावा ये जो दोनों हैं, दीज आर कॉमन फीचर्स। हाँ, दीज आर कॉमन फीचर्स। ओके, लेट अस मूव अहेड। ये एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है, ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये छोटा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रोटीन पी बिकम्स फंक्शनल अपॉन फॉस्फोराइलेशन ऑफ ए सीरीन रेसिड्यू रिप्लेसिंग दिस सीरीन विद विच रिजल्ट इन फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट ऑफ पी। तो बेसिकली यहां पे फॉस्फोमिमिक की बात हो रही है, और फॉस्फोराइलेशन जो होता है ना, वो होता है आपका किसके ऊपर, इट अकर्स ऑन सीरीन थ्रियोनिन, हाँ, जिनके अंदर होते हैं आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाँ, तो अगर मैं केवल साइड चेन बनाऊं, किसकी, ये सीरीन की साइड चेन है, अगर इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन मैं कर दूं, तो फॉस्फोराइलेशन के बाद ये एच हट जाएगा और यहां पे क्या लग जाएगा, पीओ फोर नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सीरीन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है, हाँ, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट। अगर एलेनिन की बात करें, तो एलेनिन की जो साइड चेन होगी वो केवल CH3 होगी, तो इन दोनों में तो कोई मैच हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मिमिक करना है ना, सिमिलर होना चाहिए। इसके अलावा फिनाइल एलेनिन की बात करें, तो यहां पे हो जाता है CH2 और उसके बाद आपकी बेंजीन रिंग इस तरीके से लग जाती है। हाँ, तो इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर मुझे सिमिलर दिखाई नहीं दे रही है। और अगर मैं बात करूं लाइसिन की, तो लाइसिन में होते हैं CH2 का होल फोर, देन आता है आपका NH2 या NH3 पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर भी मुझे इसके सिमिलर दिखाई नहीं दे रही है। सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड में होता है CH2, इसके अलावा होता है COO नेगेटिव। तो आपको फॉस्फेट के ऊपर भी क्या, कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, नेगेटिव, और इसके अंदर एक CH2 ग्रुप है, और इसके अंदर भी क्या है, एक CH2 ग्रुप है। तो ये दोनों के अंदर क्या है, सिमिलैरिटी है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, एस्पार्टिक एसिड।